दिल की नजरों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। तू होती है मुश्किलात मेरी, पीर का जब मैं नाम लेता हूँ। सरा पाओ मेरे रूबरू तो बात बने। मोइन साहब से, मुन्ना साहब से, मुबारक साहब से, मेरे नौजवानों से, भाईजान मैं नाम भूल गया भाई का, मोहसिन भाई से, मैं बिलखुसूस आप सभी से तवज्जो के तलबगार हूँ। सरापा आओ मेरे रूबरू तो बात बने, तसल्ली दिल को ये तस्वीर से नहीं मिलती। सरापा आओ मेरे रूबरू तो बात बने, तसल्ली दिल को ये तस्वीर से नहीं मिलती। मेरी निगाह ने चेहरे हजार देख लिए, किसी की शक्ल मेरे पीर से नहीं मिलती। शकील मेरे पीर से नहीं मिलती। जनाब ये कलाम की पुरजोर फरमाइश मेरे भाइयों ने की। सगी डगर डगर सगी नगर नगर में तो इश्क की आग लगा दी चली, मोर देश गयो मोर भेस गयो, मैं तो पी की लगन में ऐसी जली, मैं तो पी की लगन में ऐसी जली। Thank you.
जैसा नौशाद भाई के कलाम पर साथ दे रहे थे, मुझे उम्मीद है कि असीम के कलाम पर भी साथ देंगे। तो ये मतलब मैं फिर से दोहरा रहा हूँ और देखना चाहूंगा कितने लोग कमली शबीर का मिश्रा दोहराते हैं। जल्दी देगा तो जल्दी आएगा ना। जरा जोर से मैं तो पुकारूं उसको बनाई जिसने मेरी पत्नी। बहुत से लोग अभी फिलहाल एक साल में मुझसे बहुत सवाल करने लगे हैं। बहुत अजीम भाई यार, एक तो तुम्हारा पैर, आप तकलीफ में बहुत है। एक साल का अरसा हुआ मुन्ना भाई, जरा पैर की तकलीफ गुजर गई एक हादसे में। साउथ अफ्रीका में एक हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं चलने फिरने से थोड़ा मजबूर हो गया। तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं चाहिए। तो कुछ लोग भाई लोग मुझसे नशद सवाल भी करते हैं, अजीम भाई आपका एक तो पैर, आप इतनी तकलीफ में रहते हैं और इतने सफर, इतने जर्नी करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी स्टेज पे आप इतनी एनर्जी, इतना स्टैमिना कैसे, इतनी एनर्जी कैसी, इतनी ताकत कैसे, कुछ 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 लेते हो क्या? इंजेक्शन कुछ ताकत वाला, एनर्जी का कुछ? मैंने कहा नहीं, दो मिसरों में मैं बात खत्म कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा जवाब पे भी, मजा आ जाएगा जवाब। माशाल्लाह तुम्हारी भी खिलाई पिलाई जरा, लेकिन मेरी चोर बॉडी है, अल्लाह का करम है। आप ऐसे हो लेकिन मैं डरता नहीं आप लोगों से। अब ये दो मिसरे मुन्ना भाई, दो मिसरे लोग जब मुझसे सवाल करते हैं कि अजीम भाई आपने इतनी एनर्जी कैसे, इतनी ताकत कैसे, थकते नहीं हो यार? दो ही दूसरे ना अपना खड़ा है कोई, ना अपना अखाड़ा है कोई, ना हम मरीज सो जाते हैं, ना अपना खड़ा है कोई, ना हम मरीज सो जाते हैं, ना अपना अखाड़ा है कोई, ना हम जाते हैं, इस वास्ते हम नेता कर रहे ख्वाजा का लंगर खाते हैं। मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा क्योंकि आप जरा बोलने में कमजोर हो गए थे आप। अरे क्या बात है मेरा बच्चा, हाँ नौजवानों, आसिफ भाई मैं तो पुकारूं उसको बनाई जिसने मेरी तकदीर। है
तकदीर बदलने वाली है। बादल की करम का छाया है, बादल की करम का छाया है, तकदीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है। मैं हर खुलते मिसरे के बाद आपसे उम्मीद रखूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमलीशा पीर का मिसरा दोहराएंगे। नौसाब गिरा मौजू कैसे हो रहा है देखना। तकदीर बदलने वाली है, बादल भी कर्म का छाया है, बादल भी कर्म का छाया है, बादल भी कर्म का छाया है। सब कुछ को बदलाओ, तुम्हें मेले में किसने बुलाया है। पहले मेरा एक स्पीकर बंद है मुख्तार भाई, मैं ये बंद सुनना। और मुन्ना भाई बहुत प्यारा बंद, मोहन साहब बहुत प्यारा बंद लग रहा हूँ। रसूले पाक की निस्बत के सहरे से सजाते हैं, रसूले पाक की निस्बत के सहरे से सजाते हैं, रसूले पाक की हुसैन सुना, रसूले पाक की निस्बत के सहरे से सजाते हैं। बताओ कौन है जिसको अली दूल्हा बनाते हैं। कमलीशा बच्चे ने एहसास दिलाया कि मुझे कभी कभी नीचे भी देख लेना चाहिए, हमेशा ऊपर देखते नहीं रहना चाहिए। मैं न भाई ये मन साहब, मैंने कोशिश ये की है कि हर मिसरे के बाद कमलीशा बाबा का नाम खुले, ऑडियंस खुद सुनने वाले खुद पुकार उठे कि कमलीशा भी। जनाब मेरी कोशिश ये है, आइए चार मिसरे समाप्त करें। अकीदत रश्क फरमाएगी वो दर्जात बांटेंगे, 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 वो अपने मंगतों को ईमान की सौगात बांटेंगे, अपने मंगतों को ईमान की सौगात।
कष्ट फरमाएगी वो दर्जात बांटेंगे, वो अपने ममतों को ईमान की सौगात बांटेंगे। यहाँ जितने हैं दीवाने कोई मायूस मत होना, यहाँ जितने हैं दीवाने कोई मायूस मत होना। गरीब है वो भी आता है जो 10 रुपए के फूल लेकर आता है। मुबारकबाद सुना, 10 रुपए के फूल चढ़ा रहा है। उससे थोड़ा ऊपर कोई आया 5,000 की चादर, कमली शबीर ने मुझे नवाजा, मैं 5,000 की चादर चढ़ाऊंगा। ठीक, अब बहुत बड़ा आदमी आ गया, माशाल्लाह मैंने 50,000 रुपए दे दिए दरबार में, 1,00,000 रुपए दे दिए। बड़े बड़े आते हैं, मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, तो बच्चों फरमाए मलंगों पर गदाओं पर के इस दर के फकीरों पर, जमाने भर के दुखियों पर, मुकद्दर के असीरों पर, जमाने भर के दुखियों पर, मुकद्दर के असीरों पर। निगाहें कमली शाह में फर्क हरगिज आ नहीं सकता, निगाहें कमली शाह में फर्क हरगिज आ नहीं सकता। आसान नहीं है वली के दर पे आ जाना, ये जिसको चाहते हैं उसे ही बुलाते हैं। ये आम नहीं है कि कोई भी चला जाए, ऐसा नहीं है, जिसका फुलावा हो वही आ सकता है। 4 मिसरे दे रहा हूं। रानियों आंखें हैं जिनको अपनी ये जियारत देते हैं, अपनी ये जियारत देते हैं, अपनी ये जियारत देते हैं। सच्चा है वो,
सच्चा है जो उसके ख्वाबों में आ आके बशारत देते हैं, आके बशारत देते हैं, आके बशारत देते हैं। नूरानी वो आंखें हैं जिनको अपनी ज़ियारत देते हैं, अपनी ज़ियारत देते हैं, अपनी ज़ियारत देते हैं। सच्चा है जो उसको आ आके ख्वाबों में बशारत देते हैं, ख्वाबों में बशारत देते हैं, ख्वाबों में बशारत देते हैं। सरकार का है दर ज़हरा का हुस्नैन का दामन मत छोड़ो, दामन मत छोड़ो, दामन मत छोड़ो। आका इनामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, सरवरे कायनात आका इनामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। आखिरी खुतबे में आका इनामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं दो चीजें तुम में छोड़कर जा रहा हूं, अगर ये दोनों चीजों में से एक भी छूटी तो तुम ईमान से खारिज। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज कुरान पाक, कुरान मजीद। दूसरी चीज अहले बैत। भैया पंखा पंखा मत जाओ बेटा, पंखा जाओ। दो चीजें ना भाई, जरा गौर करना, उसके बाद मैं गिरा खोलूंगा। एक चीज भी अगर आप पकड़ते हैं, यानी कुरान को छोड़कर अहले बैत को पकड़ते हैं, अहले बैत का दामन पकड़ते हैं, कुरान को भूल जाते हैं, तो आप ईमान से, इस्लाम से खारिज, दीन से खारिज। और अगर आप कुरान को अमल में लाकर अहले बैत को भूल जाते हैं तो आप ईमान से खारिज। ये दोनों चीजों को हमें पकड़ना है, तब हम इस्लाम में रहेंगे। तवज्जो फरमाए, यही दावत अल्लाह के नबी ने भी दी और यही दावत अल्लाह के वली भी दे रहे हैं। मैं चंद मिसरे, चार मिसरे तवज्जो के साथ, जो समझदार हैं, जो अहले समझ हैं, उनसे तवज्जो चाहूंगा। मेहरबानी वो आंखें हैं जिनको अपनी ज़ियारत देते हैं, सच्चा है जो उसको ख्वाबों में आ आके बशारत देते हैं, आके बशारत देते हैं, आके बशारत देते हैं। सरकार का है दर ज़हरा का हुस्नैन का दामन मत छोड़ो, दामन मत छोड़ो, दामन मत छोड़ो। आप लोगों के मेरी नजरें सब पे,
सत्ता बापू करती रहती है, इसका क्या मामला चल रहा है? आइए मैं एक कलाम जो कि उसकी शान में पढ़ रहा हूं, जिसका वलियों ने भी एहतराम किया, नबियों ने भी एहतराम किया, सहाबा ने भी एहतराम किया, तबे ताबाइन ने भी एहतराम किया, वलियों ने भी एहतराम किया, कलंदर ने एहतराम किया, मलंग ने एहतराम किया, कुतुब ने एहतराम किया। अब उसकी शान उसका कमली शाह बाबा ने भी एहतराम किया। हम कमली शाह बाबा का एहतराम करते हैं, कमली शाह बाबा ने जिसका एहतराम किया मैं उसकी शान में सुन रहा हूं। तवज्जो फरमाइए, मेहनत ना खराब हो, मुबारक भाई, हो जाएगा काम, हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, घर में उजाला हो गया। नौशाद भाई एक बात बताऊं आज आपको, मैं खानदानी बंबाल नहीं हूं, शायद कि मेरे कुछ अजीज जानते होंगे इस बात को, मामूली ड्राइवर का लड़का, ड्राइवर का बेटा हूं, मेरे वाली साहब गाड़ी चलाते थे, प्राइवेट खानदानी कव्वाल नहीं हूँ मैं, बचपन से ही इस उम्र से मेरा शौक था मुझे कव्वाली का, माँ बहुत मारती थी मुझे, कव्वाल नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुकद्दर और दीवान जी कि आज इस मकाम पे, तो ये सब उसकी दुआओं का नतीजा है, मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है कि आज जो मैं आप लोगों के दिलों में बैठा हुआ हूँ, आज जो कुछ भी मुझे टूटा फूटा थोड़ा बहुत आता है, ये सब मेरे माँ बाप की दुआएँ हैं, मेरे गरीब नवाज का करम है। तो मैं चार मिसरे और देना चाहूंगा कि दो मिसरे पहले समाप्त करें मोहिन साहब, कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। जनाब मैं उन बच्चों से बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा जो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं उन बच्चों से भी तवज्जो चाहूंगा कि खुशनसीबी से जिनकी माँ जिंदा है लेकिन वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, अपनी माँ की कदर नहीं करते, अपनी माँ की मोहब्बत नहीं, अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते, और मैं उन बच्चों से भी तवज्जो चाहूंगा जो मेरी तरह है, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी माँ की मोहब्बत को परसते हैं, तवज्जो चाहूंगा साहब। ये उनवान आपके सामने रख रहा हूँ मैं, साथ सभी पहले महफिल से और सुनने वालों से तवज्जो का तालिब हूँ। साया नबी का उस पे सदा है, फरमाइश थी इस गीत की और
और मुन्ना भाई ये प्लीज सुनना, मेरे सभी हाजरी सभी नौजवानों से तवज्जो, मेरे समझदार भाइयों से तवज्जो चाहूंगा। अभी बच्चे को जन्म देने वाली है, अभी दुनिया में आने वाला है। डॉक्टर रिश्तेदारों को सलाह दे रहे हैं कि मां बचेगी या बच्चा बचेगा, दोनों में से किसी एक को बचाना होगा। आपकी क्या राय है? रिश्तेदारों की राय कि बच्चे को मार दो, मां को बचा लो। जब ये सुनती है वो जो बच्चे को जन्म दे रही है, तो देखिए ममता, देखिए अभी दुनिया में आया भी नहीं है, अभी दुनिया में आया भी नहीं है, अभी उसका दूध पिया भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कह रही है, डॉक्टर साहब भले मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे को बचा लेना। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से बनाया है मां का दूध। जिंदगी भर तकी है कितने दुख सहती है, जिंदगी भर तकी है कितने दुख सहती है, मर के खुद हमको ये जिंदगी देती है, मर के खुद हमको ये जिंदगी देती है, मर के खुद हमको ये जिंदगी देती है। इसकी ममता से तुम अपना मुंह मत मोड़ो, इसकी ममता
تنویر غازی کہتے ہیں کہ بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ جناب راحت اندوری کہتے ہیں کہ ہم دیا رکھ کے چلے آئے ہیں، دیکھیں کیا ہو، اس دریچے میں تو پہلے سے ہوا رکھی تھی، میری گردن پہ تھی شمشیر میرے دشمن کی، میرے بازو پہ میری ماں کی دعا رکھی تھی۔ عجیب مٹی سے بنا ہے مبارک بھائی ماں کا دل، مہن بھائی عجیب مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، چاہے دنیا لاکھ نقص نکالے اولاد میں، کالا ہے، پیلا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، گنجا ہے، مگر ماں کہتی ہے میرا چاند کا ٹکڑا ہے، میرا کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرے لال سے اچھا ہے ہی نہیں کوئی، دنیا نفرت کر رہی ہے لیکن وہ کلیجے سے لگا رہی ہے، میرا چاند کا ٹکڑا، میرے کلیجے کا ٹکڑا۔ آئیے جناب یہ بن سنیں، ماں ہی دکھلاتی ہے راستہ راحت کا، ماں ہی دکھلاتی ہے راستہ راحت کا، ماں ہے جس کی زندہ موت سے پل میں بچا لے جائے گی، اے باپ کی روکنا ہے روک لے رستہ میرا، مجھ کو گھر واپس میری ماں کی دعا لے جائے گی۔ چار مشن دے رہا ہوں سچائی سے بھرپور، جوانوں سے گزارش یہ ہے کہ ہو سکے تو عمل میں لانا، مشورہ ہے میرا جوانوں سے، کام تم بس یہ صبح شام کرو، ماں توائف ہو یا بھکارن ہو،
दोस्तों माँ का एहतराम करो, माँ तवायफ हो या भिकारन हो, दोस्तों माँ का एहतराम करो। एक बात कर दूं मैं जवानों से, ये मैं मैसेज देना चाहूंगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती है कि दुनिया वाले हमारी माँ को अलग अलग बकते हैं या कोई इल्जाम लगाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद को यह हक बिल्कुल नहीं दिया कि वो अपनी माँ पर उंगली तो क्या है आँख उठाकर देख सके। चाहे माँ कैसी हो, चाहे माँ कुछ भी हो, औलाद की बस ये औलाद की नौकरी समझें, ड्यूटी समझें, हुक्म समझें कि अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने माँ बाप की हुक्म अदोली ना करें। तवज्जो चाहूंगा साहब, ये बंद मोइन साहब, मुन्ना भाई, एक उम्र बढ़ती है। समझा भाई बहुत प्यारा मैसेज दे रहा हूं, एक उम्र के साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट कमजोरी, बहुत सारी बीमारी। हमारे माँ बाप को ये जब एक उम्र के साथ होती है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहती है बेटा मुझे डॉक्टर ने ये रिपोर्ट शुगर बताया है, शुगर, अरे तो होगा ना, अरे तुम्हारी उम्र कितनी है, इतनी उम्र में तो होगी बीमारी, शुगर भी होगा, ब्लड प्रेशर हाई भी होगा, तुम्हारे को हार्ट की तकलीफ भी होगी, तो हो गया उम्र के साथ, तुम भी क्या, तुम भी जवान हो गया अभी। कुछ बच्चे ऐसी बातें करते हैं अपने माँ बाप से, मगर जनाब हमें हमारी बात, हमें जरा सा बुखार आ जाए, जरा सा हमारे सर में दर्द हो जाए, जरा सा हमें छींक आ जाए जोर से, हमको कुछ हो जाए माँ तरफ जाती है, हमको कुछ हो जाए माँ तरफ जाती है, और ये नज्म मैंने उस वक्त लिखी थी जब मेरी माँ मर गई। कुछ 13 साल का अरसा हो रहा है जनाब, ये नज्म मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जितने भी हाजरीन जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और वो कम नसीब जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, जरा तवज्जो दें। एक एक मिसरा अगर आपने बगौर सुन लिया तो मेरी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मुख्तार भाई, कब्रिस्तान में देखना भी और सुनना भी, ये बंद। कब्रिस्तान में माँ की कब्र से बात कर रहा है, माँ से नहीं, माँ की कब्र से बात कर रहा है। माँ की कब्र से कह रहा है कि माँ, ऐ माँ सुन जरा रुदाद में क्या लाया हूं, माँ ऐ माँ सुन जरा रुदाद में क्या लाया हूं, तुझसे मिलने को तेरे पास चला आया हूं, तू मेरे साथ थी जब तक तो कोई गम ही ना था, मेरी किस्मत में कोई दर्द का मौसम ही ना था, याद आता है मुझे अपना वो बचपन है माँ,
तेरी ममता, तेरे आंसू, तेरा दामन है माँ। माँ जब भी दुनिया ये मेरे दिल को दुखा देती थी, जब भी दुनिया ये मेरे दिल को दुखा देती थी तो अपने आंचल में मुझे माँ तू छुपा लेती थी। मैं जो हंसता तो मेरे साथ में हंसती तू भी, मैं जो रोता तो मेरे साथ तड़पती तू भी, लेकिन वक्त आया कि हम साथ तेरा छूट गया। माँ तेरी सांस क्या टूटी कि ये दिल टूट गया, माँ तेरी सांस क्या टूटी कि ये दिल टूट गया। अरे अब कहाँ कोई मेरे नाज उठाने वाला, अब कहाँ कोई है पलकों में बिठाने वाला, अब कहाँ कोई है हाथों से खिलाने वाला, मैं जो रूठूं तो कहाँ कोई मनाने वाला। ऐ माँ जब भी दिन भर की थकन मुझको थका जाती है तो तेरे हाथों की वो नरमी मुझे याद आती है। नींद आती है तो सावन सा बरस जाता हूँ, माँ तेरी गोद के तकिए को तरस जाता हूँ। जिंदगी में तुझे देखा भी नहीं जी भर के, तू मुझे छोड़ चली कितना अकेला करके, अब रहा जाता नहीं पास बुला ले है माँ। माँ मुझे अपने ही पहलू में सुला ले है माँ। Thank you.